हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं टाटा की न्यू सफारी XZ प्लस मॉडल की। चारों तरफ से प्रोफाइल को कवर करेंगे, एक एक फीचर्स इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। हो सकता है कि इस वीडियो में वो देखने को मिले जो और वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कार के इंजन की। इंजन इसके अंदर टर्बो चार्ज वाला 2.0 लीटर वाला इंजन मिल जाता है, जो 1956 सीसी में आता है। मैक्सिमम पावर 167.67 bhp पावर जनरेट करता है ये इंजन 3750 rpm पर, और मैक्सिमम टॉर्क 350 nm पावर जनरेट करता है। 1750 rpm से लेकर 2500 rpm तक चार सिलेंडर इंजन मिलता है। फ्रंट से लुक देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें टाटा की ब्रांडिंग मिल जाती है, और टाटा की ब्रांडिंग के चारों तरफ मिल जाती है हमें। ये देख रहे हैं आप, खाली जगह मिलती है, ग्रिल एक टाइप मिलती है, और अंदर की साइड में आप देख रहे हैं तो हॉर्न मिलता है, तो हॉर्न की आवाज़ बाहर आने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो ये सारा फीचर्स को देखते हुए इस कार को बनाया गया है। नीचे की साइड में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, कवर है पूरी कार, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है। लाइटों की बात करें तो इसके अंदर LED DRL मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं, नीचे की साइड में फ्रंट में फॉग लैंप मिल जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम मिलता है इसकी लाइटों का, तो लाइटें भी काफ़ी अच्छी हैं। बात कर लेते हैं इसके हम टायर की, तो टायर प्रोफाइल में हमें एलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा, टाटा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और यहाँ पर डिस्क ब्रेक अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। ये मिलते हैं, ये देखिए आप, ये डिस्क ब्रेक हैं फ्रंट में। और पीछे वाले ब्रेक की भी बात करेंगे तो पीछे चलकर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डार्क लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पर रेन सेंसर वाइपर मिलेंगे, अगर बारिश हो रही है तो अपने आप चालू हो जाएंगे। रियर व्यू मिरर पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ से हम इस कार में कीलेस एंट्री है, कीलेस एंट्री मारेंगे और सीधे अंदर जाएंगे, यहाँ पर की लगाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमारा डोर हो गया ओपन, और डोर काफ़ी हैवी है इसके। यहाँ से आप देख रहे हैं लॉक अनलॉक करने का सिस्टम हमें मिल जाता है, ये वाला लॉक अनलॉक करने का सिस्टम है। नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ से लॉक पूरा खोल देंगे, गेट को खुल जाएगा, पकड़ने का सिस्टम मिल जाता है, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर बोतल होल्डर मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, यहाँ पर एक छोटी सी लाइट भी मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स इस कार में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स तो मिलते ही हैं इसमें। यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सीट मिल जाएगी आपको, अप डाउन आगे पीछे किस टाइप से आपको करनी है ये सारे यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आगे होगी, यहाँ से पीछे हो जाएगी, यहाँ से आगे, ये पीछे, इस टाइप से ये हो जाएगी, ये इससे जो है पीछे, ये जो बैक साइड वाली होती है ये भी हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सीट मिलती है, जो एक बढ़िया ऑप्शन इसमें दिया गया है, और काफ़ी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर AC वेंट मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, और नीचे की साइड में पैडल मिल जाते हैं आपको। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में है तो तीन पैडल मिलते हैं यहाँ पर, और कुछ केबिन इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, तो केबिन भी काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये कार तो अपने आप में एक ब्रांड है, टाटा की सफारी जो है बहुत पहले से आती है, और ये अब नया मॉडल अपडेट कर बनाई गई है। ये देख रहे हैं एयरबैग है, यहाँ पर टाटा की ब्रांडिंग है, ये आप देख सकते हैं हैंडल पर, और इसके अंदर यहाँ पर एक साइड में कुछ बटन दिए गए हैं कंट्रोल करने के लिए, म्यूज़िक सिस्टम वगैरह वगैरह। और ये देख रहे हैं तो लाइटों की स्विच मिले हैं, यहाँ पर आप वाइपर चला सकते हैं लेफ्ट साइड से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पूरा ग्लव कंपार्टमेंट है, इसमें टच मीटर मिलता है, इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रिप मीटर मिलता है, इसमें डिजिटल क्लॉक मिलती है, डिजिटल ऑटोमीटर मिल जाता है, तो ये सिस्टम मिल जाते हैं। यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हैं आप, तो 8.8 इंच की यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हैं, डिस्प्ले जो देख रहे हैं आप। और नीचे की साइड में ये आपको AC को ऑटोमेटिक AC किस टाइप से सेट करना है वो मिल जाता है, नीचे ऑक्सिलरी इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है, कुछ जगह मिल जाती है, और यहाँ पर तीन मोड मिल जाते हैं इसे चलाने के लिए, किस मोड में आपको चलानी है तो आप ये चला सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं मिलता। 6 फॉरवर्ड हैं इसके अंदर और एक रिवर्स मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप। तो गियर लीवर काफ़ी अच्छा है, लेदर का सिस्टम यहाँ पर पूरा मिलता है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं, मजबूती की तो पूरी क्वालिटी है। पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑटो मोड लिखा हुआ है आगे की साइड में, की इसकी कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देती है सारी की। तो ये देखिए की कुछ इस प्रकार से हमें दिख रही हैं, यहाँ से हम दबाएंगे तो ये लॉक अनलॉक वगैरह वगैरह ये सारा सिस्टम अगर आप इस कार को चलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, आप इसे बंद कर सकते हैं, ये आर्म रेस्ट है। ऊपर की साइड में डे नाइट वाला मिरर मिल जाता है, और इस मिरर के थोड़े से ऊपर आएंगे तो हमें यहाँ पर लाइटों के स्विच मिल जाते हैं, और लाइटों के स्विच मिलने के साथ में ही हमें मिल जाते हैं रूफ और सनरूफ, मूनरूफ और सनरूफ के स्विच मिल जाते हैं यहाँ से। काफ़ी बड़ी मूनरूफ और सनरूफ है इसमें, तो काफ़ी अच्छी है। जितनी बड़ी ये कार है, जितना इसका केबिन है, उसी हिसाब से काफ़ी बड़ी सनरूफ भी बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी है। और यहाँ पर AC वेंट बीच में भी मिलते हैं, और ये आप देख रहे हैं इसमें
वैनिटी मिरर मिल जाता है, बट इसमें लाइट नहीं है, एयरबैग लिखा हुआ है और धूप आने पर इसे अप डाउन कर सकते हैं, ऐसी इधर की साइड में, लेकिन इधर आपको मिरर नहीं मिलता। तो ये काफ़ी अच्छा है। एयरबैग यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एयरबैग यहाँ पर भी लिखा हुआ है और एयरबैग यहाँ पर भी है, और इधर इधर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर है एसी वेंट है और ड्राइवर सीट पर भी एसी वेंट है। तो ये देख रहे हैं एसी वेंट इसमें बीच में भी मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर लुक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ब्लैक कलर का डैशबोर्ड है, डुअल टोन में ही है ये एक प्रकार से, और यहाँ से आप जो है रियर व्यू मिरर को सेट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिले हैं इस कार के अंदर। अंदर बैठने के बाद एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये आप जो है लग्जरी कार के अंदर बैठे हुए हैं। आप कभी विजिट करें तो जाकर कंपनी पे, तो आपको खुद फील का पता लग जाएगा कि क्या क्या इस कार के अंदर हमें मिल जाता है। पिछली रो में देखेंगे तो पिछली रो में हमें कुछ इस प्रकार से ये कार दिखाई देगी। तो पीछे सिर्फ आपको एक विंडो का अप डाउन करने का ऑप्शन मिलता है, हर डोर पर एक ही विंडो का अप डाउन करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ से देख रहे हैं तो नीचे की साइड में स्पीकर है भी है, और नीचे की साइड में आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, पकड़कर गेट को बंद करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शन इस कार में गेट पर भी मिल जाते हैं। तो गेट भी काफ़ी हैवी है, ऐसा नहीं है कि एक ड्राइवर डोर का गेट ही हैवी है, बट ये इसमें सारे डोर काफ़ी हैवी दिए गए हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस कार के फ्यूल की। तो फ्यूल टाइप इसमें डीजल चलता है, 16.4 किलोमीटर का ये एवरेज भी देती है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक है, BS6 इंजन इस कार के अंदर मिल जाएगा। पिछली वाली रो को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगी, काफ़ी अच्छा लुक है और ये सनरूफ कुछ इस प्रकार से हमें दिखती है। और थोड़ा सा लेंथ की बात कर लेते हैं, 4461 mm की लेंथ है, वेट 1894 mm की है, हाइट 1786 mm की है, और बूट स्पेस इस कार के अंदर बहुत ही छोटा है, 71 लीटर का बूट स्पेस इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पीछे बैठते हैं, बैठने के बाद जो है लेग रूम काफ़ी है, और जो है यहाँ पर हाइट भी इसकी बैठने के बाद काफ़ी है, और कुछ इस प्रकार से अंदर से दिखती है, लेग रूम काफ़ी है, और सीटें जब आगे पीछे होती हैं तो उससे भी काफ़ी हो जाता है, 7 लोगों के बैठने की सीट मिल जाती है इसमें। और वेट इस कार के अंदर 1825 kg यानी 18 क्विंटल 25 किलो वजन है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हैंडल हर सीट पे मिल जाएगा, लेकिन ड्राइवर वाली सीट को छोड़कर सब सीटों पर हैंडल मिल जाएंगे पकड़ कर बैठने के लिए। हेडरेस्ट मिल जाते हैं सभी सीटों पर, ये देखिए हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, इसको अप डाउन किया जा सकता है। सीट बेल्ट हर सीट पर आपको देखने को मिल जाएगी। पीछे की साइड में 2 सीटें हैं, बाकी आगे की साइड में 2 सीटें हैं और बीच में 3 सीटें हैं, तो टोटल जो है 7 लोगों के बैठने की सीट इस कार में मिल जाएगी। कंफर्ट की बात कर लेते हैं तो पावर स्टीयरिंग है, विंडो तो सारी आपको पता ही है, फ्रंट और ये जो पीछे वाली हैं ये पावर है, एसी वेंट यहाँ पर मिल जाते हैं, पीछे वाले लोगों को गर्मी ना लगे तो एसी वेंट की सुविधा काफ़ी दे रखी है इसमें, सभी जगह एसी वेंट है। और इसमें हम बात कर लेते हैं जैसे लो फ्यूल वार्निंग लाइट मिल जाती है इसमें, और इसके अंदर कप होल्डर फ्रंट में भी मिलते हैं, रियर में भी मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और पार्किंग का सिस्टम मिल जाता है। पीछे वाले टायर में देखेंगे तो यहाँ पर भी डिस्क ब्रेक आपको मिलेंगे, 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक के लिए ऑप्शन मिल जाता है। पिछली लाइटें कुछ इस प्रकार से दी गई हैं, कीलेस एंट्री मिलती है, USB फ्रंट में भी मिल जाता है, बैक में भी मिल जाता है, और पीछे का कुछ सिस्टम इसमें इस प्रकार से दिखेगा, सेंसर भी इसमें लगे हुए हैं, सफारी लिखा हुआ है, टाटा का लोगो ऊपर की साइड में है। तो ये सारा सिस्टम इस कार में मिलता है, टाटा की ब्रांडिंग पीछे भी है, और यहाँ पर डिफॉगर भी है, और पीछे की साइड में वाइपर भी है, तो ये काफ़ी अच्छे सिस्टम मिलते हैं। इंटीग्रेटेड यहाँ पर आपको एंटीना मिल जाता है, और कुछ इस प्रकार से इसकी रूफ लगती है, तो रूफ भी काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ा डिज़ाइन भी है रूफ के अंदर। लाइटें कुछ इस प्रकार से पीछे वाली दिखती हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक प्रीमियम लुक मिल जाता है हमें। और यहाँ पर मिल जाता है पहिया, जो हमारी स्टपनी होती है पीछे की साइड में, नीचे की साइड में लगा हुआ मिल जाता है, और कैमरा मिलता है ये पार्किंग कैमरा। तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन इस कार में हमें देखने को मिल जाते हैं। इस कार में हमें थोड़ा सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें सेंटर लॉक मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है, एंटी थीप अलार्म मिल जाता है। पीछे की साइड की मैं प्रोफाइल दिखा रहा हूँ लेकिन इसके फीचर्स बता रहा हूँ, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, और टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, क्रश सेंसर मिल जाता है, इंजन चेक वार्निंग का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प है इसके अंदर, और ऐसे ऐसे सिस्टम इसमें मिल जाते हैं, हिल असिस्ट मिल जाता है, नो स्पीकर मिलते हैं, पिछली वाली सीटों पर भी आप देख रहे हैं ये कप होल्डर मिल जाते हैं, एसी वेंट मिल जाते हैं, जो कि पिछली वाले बैठने वालों को
बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। नो स्पीकर मिलते हैं, इंटीग्रेटेड टू डी ऑडियो मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टच स्क्रीन मैंने आपको आगे दिखाया था 8.8 इंच वाला मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा है। और पीछे एक लाइट भी मिल जाती है ये देखिए, और ओपन करने के बाद कुछ इसका जो फिगर दिखता है इस प्रकार से हमें दिख जाता है। और इस कार के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले भी मिल जाता है, तो ये सारे म्यूजिक एंटरटेनमेंट के सिस्टम इसमें मिल जाते हैं। पिछले वाले टायर प्रोफाइल इस साइड से ऐसे लगते हैं, दोनों साइड से एक से ही लगते हैं। और इधर की पैसेंजर सीट को ओपन करते हैं पिछली वाली रो की, तो कुछ इस प्रकार से फिनिशिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो फीचर्स तो भाई इस कार में बहुत बेस्ट मिलते हैं, एक से एक अच्छा फीचर्स मिल जाता है। और मैं क्या तारीफ़ करूं, अगर आपको ये कार ख़रीदनी हो तो एक बार इसकी विज़िट कीजिए, विज़िट करने के बाद आपका मन डेफिनेटली इसको ही ख़रीदने का बनेगा। ये एक कार नहीं है अपने आप में, पूरा जहाज का जहाज है। और इसमें बैठने के बाद जो फीलिंग आती है उसकी फीलिंग बिल्कुल अलग है। तो ये अपने जो इसके लेवल की कारें हैं उन्हें काफ़ी टक्कर देती है। एयरबैग पिछली वाली सीटों पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और सारी सीटों पर एयरबैग आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम इस कार में देखने को मिल जाता है। और बस इस कार के थोड़े हम प्राइस की बात कर लेते हैं, लेकिन एक बार फ्रंट पैसेंजर सीट को भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है। तो नीचे की साइड में लाइट भी मिल जाती है, तो ये सारा सिस्टम मिलता वही है, बाकी और कुछ नहीं मिलता। जो पिछली वाली डोर पर था वही सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पर स्पीकर भी मिल जाता है, और एसी बैंड तो है ही है, और यहाँ पर एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और इसके अंदर लाइट भी जल रही है। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो लो मॉडल होते हैं उनमें लाइटें नहीं होती, फिर रात में देखने में थोड़ा दिक्कत होती है, लाइट होती है तो पता लग जाता है। इस सीट को आगे पीछे आप कर सकते हैं, ये जो है मैनुअल है, ये जो है इलेक्ट्रिक नहीं है, इसको अपने हाथ से ही आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। तो इधर से देख रहे हैं तो इधर से भी केबिन को बहुत अच्छा दिखता है, कोई ऐसा नहीं है कि बेकार इसका केबिन दिख रहा हो, तो काफ़ी अच्छा केबिन दिखाई देता है। और यहाँ से हम देखते हैं ऊपर की साइड से, तो ऊपर की साइड से ये भी मालूम नहीं पड़ता कि इसमें सनरूफ है या नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे तब पता लगेगा, अंदर बैठने के बाद तुरंत पता लग जाएगा कि इसके अंदर सनरूफ है। और फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें ये लुक दिखाई देता है, टाटा की ब्रांडिंग दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं इस कार के थोड़े से प्राइस की, तो इसके प्राइस 21,60,000 रुपये के समथिंग आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।